हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स 2 में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय विद्यालय को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2020 को लेकर। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं पूरी सीरीज़ लेकर आऊँगा, तो दोस्तों ये मेरा अगला वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा क्या एज लिमिट होनी चाहिए केंद्रीय विद्यालय के लिए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास में एडमिशन होते हैं, साथ ही साथ सेकंड से लेकर टेंथ तक एडमिशन होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें कितनी उम्र चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की, इस टॉपिक पर आज मैं बात करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्कल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको मैं लेकर चलता हूं केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो इंडिया लेवल पर चलती है वेबसाइट, kvssangathan.nic.in। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट की वेबसाइट अलग होती है, जिसमें उसके उस सिटी के या उस डिस्ट्रिक्ट के केंद्रीय विद्यालय की सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड होती हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये ऑल इंडिया है, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो जितने भी गतिविधियाँ होती हैं उनको कवर करती है। दोस्तों, इस वेबसाइट के माध्यम से मैं बताऊँगा कितनी एज चाहिए आपके बच्चे को एडमिशन के लिए। तो चलिए मैं एक ऑप्शन में आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है एकेडमिक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ एडमिशन गाइडलाइन सेकंड नंबर पर आपको नज़र आएगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसा कि पता है कि अभी एडमिशन 2020 स्टार्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए अभी उसकी गाइडलाइन भी नहीं आई है। लेकिन एज क्राइटेरिया जो होता है वो सेम रहता है हमेशा से, जो पिछले कई सालों से सेम है, और जो अगले ईयर है 2020 या 21, इसमें भी एज क्राइटेरिया सेम रहेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ देखिए 2019-20 की गाइडलाइन को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ से जब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपको यहाँ फिफ्थ पेज है आपका, ये देखिए यहाँ पर एलिजिबल एज फॉर एडमिशन, ये फिफ्थ पेज है, ठीक है। ये देखिए पांचवा पेज है, तो इसमें आपकी एज क्राइटेरिया की पूरी जानकारी दी हुई है। आप चाहें तो मेरे वीडियो को पॉज करके, मेरी वीडियो को रोक करके अपनी एज को नोट कर सकते हैं कि किस क्लास में किस एज का बच्चा मान्य होता है। दोस्तों, फर्स्ट क्लास का एडमिशन, जैसा कि आपको पता है कि ये ऑनलाइन होता है, बाकी सेकंड से लेकर टेंथ तक का जो एडमिशन होता है वो ऑफलाइन होता है। वो भी इन केस जब होता है, जब आपका सिक्स में, सेवन्थ में, एट्थ में, नाइन्थ में या फिफ्थ में, सेकंड में, थर्ड में, जिस भी क्लास में सीटें खाली होती हैं तभी उसमें ऑफलाइन एडमिशन लिया जाता है। और फर्स्ट क्लास में ऑनलाइन क्राइटेरिया है, ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, उसके बाद आपका नंबर आता है उसमें। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, फर्स्ट क्लास के लिए 5 से 7 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो एज काउंट की जाती है ये 31 मार्च से काउंट की जाती है। दोस्तों, जैसे 2020 चल रहा है तो यहाँ पर 31 मार्च 2020 में एज काउंट की जाएगी। 31 मार्च 2020 को आपका बच्चा 5 साल से लेकर 7 साल के बीच में होना चाहिए। सेकंड क्लास के लिए 6 से लेकर 8 का होना चाहिए। थर्ड क्लास के लिए 7 से लेकर 9 का होना चाहिए। फोर्थ क्लास के लिए 8 से लेकर 10 का होना चाहिए। फिफ्थ क्लास के लिए 9 से लेकर 11 का होना चाहिए। सिक्स के लिए 10 से लेकर 12, सेवन्थ के लिए 11 से लेकर 13, एट्थ के लिए 12 से लेकर 14, नाइन्थ के लिए 13 से लेकर 15 और टेंथ के लिए 14 से लेकर 16 साल। ये पूरा एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।